हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा जी के रिव्यूज़ में। दोस्तों आज की ये वीडियो है, ये काफ़ी खास होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज से हमने शुरू किया है दोस्तों Q&A सीरीज़, जिसका नाम है दोस्तों बोलो शर्मा जी। जी हाँ दोस्तों, मैंने आज सुबह जो है कम्युनिटी पोस्ट में आपसे पूछा था कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है Realme 2 Pro को लेके दोस्तों, तो आप जो मेरे से पूछ सकते हो, और आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं क्वेश्चंस के जो है जवाब दे रहा हूँ दोस्तों आपको। मैंने कोशिश की है ऑलमोस्ट सारे जो है क्वेश्चन पिक करने की, बट फिर भी अगर लेट सपोज आपका क्वेश्चन रह जाता है, तो आपने जो ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में जो है कमेंट आपने डाले हैं, वहाँ पर मैं हर एक क्वेश्चन के जो है जवाब टाइप करके भी आपको दे दूंगा, कमेंट करके वहां पे भी आपको जवाब दे दूंगा, अगर लेट्स सपोज आपका क्वेश्चन इसमें नहीं आता है दोस्तों। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों ये वीडियो। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये है हमारा फर्स्ट एपिसोड Q&A एपिसोड बोलो शर्मा जी का। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन रीड कर रहा हूं ये भी कर रहा हूं Realme 2 Pro में ही दोस्तों। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है शेख शहर जी का। वो बोल रहे हैं कि हाय शर्मा जी, कैसे हो आप, आपकी वीडियोस बहुत पसंद आती हैं शर्मा जी। क्या Realme 2 Pro डुअल वोल्टी सपोर्ट करता है शर्मा जी, बताना ज़रूर शर्मा जी, गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले तो भाई धन्यवाद आपका बहुत बहुत, हमारी जो वीडियो आपको पसंद आती है, हमारा जो कंटेंट आपको पसंद आता है, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट जो है वो बनाए रखिएगा। तो आपको बता दूं जो आपके क्वेश्चन का आंसर है, Realme 2 Pro जो है डुअल वोल्टी सपोर्ट करता है, बिल्कुल करता है। आप जो है आराम से जो है इसमें जियो के दोनों सिम अगर आपके पास हैं चला सकते हैं, डुअल वोल्टी ये सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ एक चीज़ और आपको एड ऑन बता दूं कि नेटिव कॉलिंग भी ये फ़ोन जो है वो सपोर्ट करता है भाई। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है ईशान गुप्ता जी का, वो बोल रहे हैं कि डू यू थिंक दैट Realme शुड हैव गिवन फास्ट चार्जिंग इन डिवाइस, व्हाई दे डिडंट गिव इट। तो बिल्कुल भाई, मैं ये मानता हूँ कि फास्ट चार्जिंग जो है वो देनी चाहिए थी एटलीस्ट, अगर आप जो है लेट सपोज आप जो है, क्योंकि आपको पता है 8GB 128GB वेरिएंट ही सबसे जल्दी जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हुआ था और इजीली मिल नहीं रहा था, और काफ़ी लोगों को वो वाला वेरिएंट जो है वो चाहिए था। तो अगर 8GB वेरिएंट जो कोई ले रहा है, 8GB 128GB, नॉर्मली कोई गेमर है या फिर हैवी यूजेज वाला है वही लेगा, जिसको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, वीडियोस गाने वगैरह जिसने रखने हैं। तो नेचुरली अगर मान लो आपने 8GB वाला वेरिएंट लिया, ठीक है, आप गेमिंग करते हो और गेमिंग के दौरान लेट सपोज हैवी गेमिंग के दौरान ये जो है 5 से 7 घंटे में जो है ऑल ओवर बैटरी इसकी जो है वो ड्रेन हो जाती है, तो नेचुरली आपको जो है दोबारा से चार्ज करना है तो आपको 1.5 से 2 घंटे जो है अलग से टाइम जो है दोबारा लगाना पड़ेगा। तो वो टाइम जो है वो बचाने के लिए फास्ट चार्जिंग वो कंपनी को देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया वो तो कंपनी की मर्जी है, क्योंकि उन्होंने बजट फ़ोन देना था। बाकी देखते हैं आगे किसी फ़ोन में फास्ट चार्जिंग मिलता है या नहीं मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है प्लाहा क्रिएशंस का, वो बोल रहे हैं सर साइड बॉडी कौन सा कलर की है मेरा फ़ोन की, मेरा Realme 2 Pro की ब्लू कलर की है क्योंकि मैंने ब्लू कलर लिया है। तो जी भाई, इसमें भी ब्लू कलर की है, आप देख सकते हैं जो साइड, आपको मैं दिखा देता हूँ साइड बॉडी, एक मिनट कवर उतार के आपको जो है वो दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइड जो है ये भी ब्लू कलर है, बैक साइड पे भी आपको ब्लू कलर मिलता है, हल्का सा ये जो है थोड़ा सा डार्किश टाइप में आता है, ये लाइट है, तो ऐसा आपको यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे कलर ब्लू कलर ही आपको मिलता है साइड वाला। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है इरफान हैदर भाई का, वो पूछ रहे हैं आपका Realme 2 Pro कितने दिन में डिलीवर हो गया था। भाई मेरा Realme 2 Pro जो है वो एक दिन में डिलीवर हो गया था, 11 तारीख जब से सेल लगनी थी तब ऑर्डर किया था, और 12 तारीख को जो है ये फ़ोन जो है वो डिलीवर हो गया था भाई। उसके बाद है उत्तम माझी का क्वेश्चन, जो कि हमारे एक्टिव सब्सक्राइबर हैं, तो वो बोल रहे हैं कि शर्मा जी बैटरी लाइफ कैसा है एंड कलर OS कैसा लगा, गुड और बैड। सबसे पहले बात करूं भाई बैटरी लाइफ की, तो बैटरी जो है मैंने आज एक टेस्ट किया था तो मुझे जो है काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस लगा बैटरी का, वो जो है वीडियो आपको ऑलमोस्ट जो है कल मिल जाएगी भाई, बैटरी की सारी इन्फॉर्मेशन सारी जानकारी आपको उस वीडियो में दोस्तों मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कलर OS की, तो कलर OS मुझे जो है वो ठीक ठाक लगा, हल्का सा बगी लगा, मतलब मैं आपको बताऊँ कि नोटिफिकेशन वाला फंडा मुझे वो थोड़ा सा, वैसे तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप इसमें जो नोटिफिकेशन वाला जो है, कोई भी नोटिफिकेशन आती है नॉर्मली आप जो है MIUI में या फिर आप स्टॉक एंड्रॉइड में आप इस साइड स्वाइप करते हो तो हट जाती है, MIUI में इस साइड स्वाइप करते हो तो हट जाती है, बट इसमें जो है नोटिफिकेशन हटती नहीं है, आपको पहले तो स्वाइप करना पड़ता है, फिर आप वहां पे डिलीट का ऑप्शन है वो प्रेस करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा
हैक्टिक लगता है, हर कोई चाहता है यार स्वाइप करूं और नोटिफिकेशन हट जाए, तो वो थोड़ा सा एक हल्का सा फ्लॉ लगा जो कि इसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है पायल सकलानी का, वो पूछ रहे हैं कि Realme 2 Pro का फ्रंट कैमरा कैसा है। Realme 2 Pro का फ्रंट कैमरा जो है, जितनी मैंने कुछ इमेजेस ली हैं वो मुझे तो ऑल ओवर अच्छा लगा, और आपको बता दूं ये जो इमेजेस ली हैं जो रिसेंट इनका जो अपडेट आया है उसके बाद ही ली हैं, क्योंकि इसमें जो अपडेट आया है उसमें आपको कुछ कैमरा इफेक्ट्स हैं वो ऑप्टिमाइज होके मिले हैं। साथ ही साथ अगर बात करें इसमें जो स्टिकर का ऑप्शन आता है वो भी, उसकी जो रेजोल्यूशन की जो रेशियो है वो भी आपको ऑप्टिमाइज होके मिली है। उसके बाद क्वेश्चन आता है योगेंद्र सिंह जी का, ये बोल रहे हैं कि भाई एक तो मेरा नाम ले लेना आप, बिल्कुल भाई आपका नाम ले लिया योगेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, एक बार नहीं 5 बार ले लिया योगेंद्र सिंह, ठीक है जी। उसके बाद भाई एक वीडियो Realme 2 Pro के हिडन फीचर्स के बारे में भी बना देना, बिल्कुल भाई अगर आपको चाहिए तो मैं बिल्कुल बना दूंगा। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि और भाई इसका फ्रंट कैमरा का एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, उससे कब सही करेगी कंपनी। भाई आपको बता दूं कि मैंने जो है अभी अपडेट के बाद जो फोटोज़ क्लिक की हैं मुझे जो है इतना ज़्यादा जो है एक्सपोजर नहीं लगा, इक्विवेलेंट टू Redmi Note 5 Pro लगा, मैं अभी एक फ़ोटो क्लिक करके देख रहा था। साथ ही साथ आपको बताऊं कि एक्सपोजर जो है Realme 2 में जो है जब मैं यूज़ कर रहा था उसमें बहुत ज़्यादा है फ्रंट कैमरा का भाई। उसके बाद क्या फास्ट चार्जिंग सॉफ्टवेयर अपडेट से इनेबल हो सकती है, भाई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों चीज़ें जो है काम में लाई जा सकती हैं तभी जो है फास्ट चार्जिंग जो है वो इनेबल हो सकती है। उसके बाद एक स्पेशल फीचर इसके बारे में जो आपको अच्छा लगा हो वो बता दो भाई। भाई स्पेशल फीचर आपको मैं बता दूं कि जब आप जो है ऐसे करके स्वाइप करते हो, ठीक है, राइट साइड को मतलब मेन स्क्रीन पे जाके स्वाइप करते हो तो वहाँ पे क्विक फंक्शंस में जाके स्कैन नेम कार्ड का ऑप्शन आता है, तो वो मुझे ऑप्शन जो है काफ़ी अच्छा लगा। लेट सपोज आपके पास कोई विजिटिंग कार्ड है तो या तो आप उसका नाम लिख के फिर नंबर सेव करते हो तो आपको जस्ट यहाँ पे विजिटिंग कार्ड स्कैन कर लेना है तो उसके बाद सारा जो डेटा है एज अ कॉन्टैक्ट बन के आपके सामने आ जाएगा भाई। तो ये मुझे जो है इसमें फीचर जो है काफ़ी अच्छा लगा भाई। उसके बाद साकिब इलाही भाई पूछ रहे हैं शर्मा जी इसका फ्रेम साइड्स मेटल हैं या प्लास्टिक। तो भाई इसका ये जो फ्रेम है साइड में ये भाई मेटल नहीं है, ये प्लास्टिक है। साथ ही साथ ये जो बटन्स हैं ये भी भाई प्लास्टिक के हैं। उसके बाद हमारे जो व्यूअर हैं डेली व्यूअर लतीश भाई पुणे से ये पूछ रहे हैं भाई डू यू थिंक Realme 2 Pro इज़ बेटर देन Redmi Note 5 Pro कैमरा और परफॉर्मेंस के मामले में। तो कैमरा का भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि कैमरा का मैं रिव्यू जो है बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ। साथ ही साथ आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना कि इसके अलावा आप इसका कंपैरिजन जो है किसके साथ देखना चाहोगे। कैमरा का कंपैरिजन तो आपको जो है उस टाइम मिल जाएगा। और अगर मेरे से अगर आप पूछ रहे हो कि कैमरा और परफॉर्मेंस वाइज, भाई मैं अगर ओवरऑल मैं बताऊँ कि अगर मेरे सामने अगर मेरे पास लेट सपोज Redmi Note 5 Pro नहीं होता, मुझे ऑप्शन मिलता कि मैंने जो है Redmi Note 5 Pro चूज़ करना है या Realme 2 Pro, तो मैं कौन सा चूज़ करता, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो फ़ोन है मेरे पास। सबसे पहले तो मैं जो लेटेस्ट डिज़ाइन है उसकी तरफ जाता, तो लेटेस्ट डिज़ाइन आप देख सकते हो कि Realme 2 Pro में आपको जो है लेटेस्ट डिज़ाइन मिलता है, और कहीं ना कहीं जब हम Redmi Note 5 Pro को सामने लेके आते हैं तो ऐसे लगने लग पड़ता है यार कौन सी सदी का ये फ़ोन है, क्योंकि बीजल्स बड़े हैं और आजकल हर कोई जो है ऐसी लुक पसंद कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ड्यू ड्रॉप जो है डिज़ाइन मिल रहा है भाई, कितना बढ़िया आपको ऑल ओवर डिस्प्ले मिलती है, 90% से ऊपर आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसकी ओवरऑल लुक, मतलब ये पॉलीकार्बोनेट है बट फिर भी ग्लास लगता है, मतलब जिसने नहीं देखा उसको तो ये ग्लास ही लगेगा भाई। तो ऑल ओवर सबसे पहले तो ये, उसके बाद जो प्रोसेसर है वो भी इसमें 660 आपको मिलता है विद सम AI फीचर्स, तो ये एक तरीके से फ्यूचर रेडी फ़ोन भी हो जाता है। तो मैं जो है इसको प्रेफरेंस देता, और साथ ही साथ इसका कैमरा भी अच्छा है। मैंने कुछ फोटोज़ जो है वो क्लिक करके देखी थी और मुझे जो है सेटिस्फाइंग लगा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ इसका मैं फुल रिव्यू जो है वो भी लेके आऊँगा भाई। अगला क्वेश्चन आता है परमेश्वर नाथ का, वो पूछ रहे हैं आफ्टर अपडेट कैमरा का रिव्यू दिखाओ, वो मैंने आपको बता दिया कि रिव्यू आएगा, एंड जायरोस्कोप कैसे काम कर रहा है वो भी दिखाओ। तो जायरोस्कोप ये पूछ रहे हैं कि कैसे काम कर रहा है वो भी दिखाओ, वो भी आपको बिल्कुल दिखाऊंगा भाई। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक वीडियो चला रहा हूँ भाई, उसमें आप देखिएगा कि जायरोस्कोप जो है कैसे काम करता है। तो यहाँ पे एक वीडियो मैंने जो है 360 में प्ले कर रहा हूँ और आपको अभी दिखाऊंगा कि जायरोस्कोप कैसे काम करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जायरोस्कोप जो है वो कैसे काम कर रहा है, उम्मीद है इससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है करमजीत सिंह जी का, ये पूछ रहे हैं क्या इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है।
मतलब 2 साल तक चल जाएगी। और इसकी बटन्स क्वालिटी कैसी है, मैंने इसका टियर डाउन देखा यूट्यूब पर, इसके बटन वर्स्ट हैं, बहुत जल्दी बाहर निकल गए थे। तो भाई सबसे पहले तो बता दूं कि ये एक बजट स्मार्टफोन है जो कि आपको एक प्रीमियम लुक में मिलता है। सबसे पहले तो अगर आप बात कर रहे हो 2 साल तक चलेगा कि नहीं, तो आप जो है 6 से 8 महीने में ही बोर हो जाओगे, क्योंकि तब तक जो है कुछ और नया आ जाएगा भाई। जैसे जो है रेडमी नोट 5 प्रो अभी 8-10 महीने हुए हैं, तो अभी जो है रेडमी नोट 5 प्रो की डिमांड बिल्कुल कम हो गई है, बट ये है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, फिर भी लोग उसको ले रहे हैं। आप जो बोल रहे हो कि इसकी बटन क्वालिटी कैसी है, मैंने इसका टियर डाउन देखा है यूट्यूब पे, तो भाई आपको बता दूं कि जो इसकी बिल्ड है वो है प्लास्टिक बिल्ड, और क्वालिटी जो है आप बोल रहे हो बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की भी होती है, ग्लास की भी होती है, हर एक की जो अपनी बिल्ड क्वालिटी होती है। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात कर रहे हो तो बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है, अगर प्लास्टिक से ही कंपेयर किया जाए तो बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है। और बात करें इसके बटन्स टियर डाउन करने की, अगर आप जो है रेजर लेके ब्लेड लेके जो है खुरचना इसको शुरू करोगे तो नेचुरली प्लास्टिक है भाई, प्लास्टिक तो जैसा मर्जी है वो कटेगा ही। बाकी आप जो है निश्चिंत रहो, बिल्ड क्वालिटी वैसे बहुत बढ़िया है, बट ये जैसा कि पॉलीकार्बोनेट है तो टाइम टू टाइम जो है इस पर हल्का फुल्का स्क्रैच तो जो है पड़ेंगे ही, क्योंकि प्लास्टिक है भाई। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है राजेश कुमार यादव का, Realme 2 Pro में FM क्यों नहीं दिया। भाई FM क्यों नहीं दिया, अब देखते हैं कंपनी से पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं इन्होंने FM दिया, देना चाहिए था FM इसमें, क्यों नहीं दिया हमें भी समझ में नहीं आया, क्योंकि FM तो आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़र्स वो यूज़ करते हैं और देना चाहिए था भाई। उसके बाद नवदीप बाजवा जी पूछ रहे हैं स्क्रीन कैसा है, तो भाई स्क्रीन जो है वो काफ़ी बढ़िया है, आपको फुल HD प्लस जो है स्क्रीन देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं ऑल ओवर जो डिज़ाइन है इसका ड्यू ड्रॉप वाला वो काफ़ी अच्छा है भाई। तो बाजवा जी जो इसकी स्क्रीन है वो अच्छी है, साथ ही साथ अगर मैं व्यूइंग एंगल्स की बात करूँ तो व्यूइंग एंगल भी इसके अच्छे हैं। अगर यहाँ से भी मैं आपका मैसेज रीड करने की कोशिश करूँ तो यहाँ से मुझे पढ़ा जा रहा है भाई। उसके बाद योगेश वी गौड़ा जी पूछ रहे हैं मेरा एक डाउट है Realme 2 Pro में गोरिल्ला ग्लास 3 है कि नहीं। भाई कंपनी ने तो गोरिल्ला ग्लास 3 ही बोला है, बट कुछ वीडियोस जैसे कि अभी पीछे टियर डाउन वाली क्वेश्चन भाई का था, तो वैसे ही वीडियोस में उन्होंने जो भी स्क्रैच वगैरह करके दिखाया है उनके हिसाब से गोरिल्ला ग्लास 3 नहीं है, क्योंकि ईजिली वो इतने जल्दी स्क्रैच नहीं होता, बट कंपनी जो है कंपनी ने तो यही बोला है कि गोरिल्ला ग्लास 3 है। इसके बारे में भाई मैंने जो है कंपनी को भी मेल डाल दी है, जैसे ही मुझे कुछ जवाब आएगा मैं आपको जो है जरूर बताऊंगा कि इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 है या नहीं। अगला क्वेश्चन है तुलेश्वर राजवड़े का, ये पूछ रहे हैं भाई गिव अवे कर दीजिए ना भाई मेरे को, तो भाई गिव अवे जो है इसका भी आपको जवाब जो है वो जल्द मिलेगा, इसी वीडियो में मैं इसका जवाब भी दे दूंगा कि गिव अवे इसका हो रहा है या नहीं हो रहा है भाई। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है रोहित डेबे का, ये पूछ रहे हैं क्या रियलमी में IR ब्लास्टर है। जी भाई इसमें IR ब्लास्टर नहीं है, इसमें आपको IR ब्लास्टर नहीं मिलता भाई। उसके बाद साहिल सिंह पूछ रहे हैं कि Realme 2 Pro में PUBG कैसा चलता है। भाई आज एक मैंने वीडियो बनाई थी कुछ बैटरी टेस्ट को लेके, तो उसमें कुछ गेमिंग वगैरह करी थी नॉर्मल गेमिंग, साथ में मैंने PUBG, मुझे लिटरली बता रहा हूँ कि PUBG इतनी एज सच अभी आती नहीं है प्ले करनी, जितनी भी थोड़ा बहुत आती थी मैंने प्ले करी, तो उसमें एज सच 10-15 मिनट मुझे कोई लैग नहीं मिला। हाँ 10-15 मिनट जो है वो थोड़ा कम है, इसलिए जो है मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो लेके आ रहा हूँ, अगर आप कहते हो तो वो वीडियो भी आपको डेडिकेटेडली जो मिल जाएगी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है अल्फाज भाई का, वाह भाई नाम बड़ा अच्छा है, तो उनका जो क्वेश्चन है वो बोल रहे हैं शर्मा जी क्या इसका फेस अनलॉक रात में काम करता है। तो भाई बिल्कुल करता है रात में काम, मैंने ऑल ओवर सारी लाइट्स जो हैं वो बंद करके चेक किया है कम से कम 10-15 बार, तो ये इसका फेस अनलॉक जो है मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। और स्पेशली एक और चीज़, फेस अनलॉक यार काफ़ी फास्ट है, लेट सपोज मैंने अभी लॉक लगा दिया, लॉक लगा के और मैंने जस्ट सामने किया और लॉक खुल जाता है। मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखे तो ये मैंने लॉक लगाया हुआ है भाई, ये मैंने सामने किया और लॉक खुल गया, देखा आपने, तो इतना फास्ट है। और साथ ही साथ आपका जो क्वेश्चन था कि रात में काम करता है, बिल्कुल काम करता है, पूरी जो है डार्क कंडीशंस में ये काम करता है भाई। अगला जो क्वेश्चन है वो है किशन मलाना जी का, ये पूछ रहे हैं शर्मा जी कैमरा एंड बैटरी अच्छा है क्या, हाउ मच स्टोरेज आउट ऑफ 64। मेरा एक रिक्वेस्ट था कि आपका बेटा मुझे आंसर दे, क्यूट हीरो, धन्यवाद भाई सबसे पहले। तो मेरा बेटा तो है अभी थोड़ा सा बिजी पढ़ाई करने में, तो वो जो है अभी जवाब नहीं दे पाएगा, बट आपसे मेरा ये वादा है
आपकी डायरेक्ट इंटरेक्शन करा देंगे, साथ ही साथ मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आप उसका थोड़ा बहुत रोल देख लोगे, तो वो मेरे ख्याल से आपके लिए सेटिस्फाइंग होगा और हमारे लिए भी भाई। और साथ ही साथ बात करूँ कैमरा एंड बैटरी की, जैसे मैंने आपको बताया कैमरा का मैं रिव्यू लेके आ रहा हूँ, साथ ही साथ बैटरी की बात करें तो बैटरी जो है भाई इसका अच्छा है, डोंट वरी, 3500 mAh जो है आपको अच्छा जो है वो बैकअप दे देगी। बात करें इसकी स्टोरेज की भाई, 64 GB में से शुरुआत में आपको ये जो है 46 GB जो है स्टोरेज मिलती है, हालांकि थोड़ा कम है, 55-56 GB जो होना चाहिए था, बट फिलहाल के लिए आपको 46 GB दिखने को मिलता है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अविनाश कुमार सिंह जी का, जो कि ये भी हमारे एक एक्टिव जो है व्यूअर हैं, तो Realme 2 Pro का बिल्ड क्वालिटी कैसा है, 2 Pro का गिव अवे कीजिएगा, आई लव योर वीडियोज़ भाई। धन्यवाद भाई, सबसे पहले तो आपका जो प्यार है इतना हमारे प्रति, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना जो सपोर्ट है, अपना जो प्यार है, वो ऐसे ही बनाए रखिएगा। सबसे पहले Realme 2 Pro का बिल्ड क्वालिटी कैसा है, तो भाई मैं बताऊँ, ये है मेरे पास एक प्लास्टिक की बोतल, ठीक है, तो ये प्लास्टिक की बोतल है, लेट सपोज कोई और भी प्लास्टिक की बोतल है, एक आपके पास होगी, एक मेरे पास होगी, एक किसी और के पास होगी। अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें सिर्फ प्लास्टिक की, क्योंकि एक ही मटेरियल से बिल्ड क्वालिटी जो है वो एक तरीके से हम उसी से कंपैरिजन करेंगे ना, तो अगर मेरे से कोई पूछे यार इसकी प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, तो वो तो भाई बहुत अच्छी है, ऑल ओवर जो है आपको जो है प्रीमियमनेस ही देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि यार हल्का सा कोई फ़ोन है, ऐसा कुछ भी आपको जो है वो फील नहीं होगा। बट अगर हम इसको कंपेयर करने लग पड़े प्लास्टिक को मेटल के साथ या फिर ग्लास के साथ, तो वो मेरे ख्याल से वो गलत हो जाएगा। प्लास्टिक को अगर प्लास्टिक के साथ ही बिल्ड क्वालिटी देखें तो उस हिसाब से तो ये बहुत बढ़िया है, बट जैसे मैंने आपको बताया कंपेयर करें अगर मेटल वगैरह के साथ, तो नेचुरल से बात है इस पर स्क्रैच जल्दी आएंगे, मेटल और ग्लास पे जो है वो स्क्रैच कम आएंगे या ना के बराबर आएंगे भाई। और आपने भाई साथ में एक और क्वेश्चन पूछा है कि Realme 2 Pro का गिव अवे कीजिएगा, तो भाई आपको अगर चाहिए गिव अवे तो आपको बता दूं, साथ ही साथ और भी जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है या फिर जिनके भी दिमाग में ये क्वेश्चन है क्या मैं ये गिव अवे करूँगा, तो भाई जी हाँ बिल्कुल मैं इसका गिव अवे कर रहा हूँ। अगर आप इसको चाहते हो तो मैं इसका गिव अवे कर दूँगा, बिल्कुल कर दूँगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो चैनल पे जो है 50,000 सब्सक्राइबर जो हैं वो पूरे हो जाएंगे अगले 15 से 20 दिन में, तो आपको जो है मैं यहाँ पे ये हल्का सा हिंट दे देता हूँ कि जैसे ही 50,000 सब्सक्राइबर भाई पूरे होंगे, 50,000 सब्सक्राइबर का मार्क जो है पूरा होगा, हम जो है इसका गिव अवे कर देंगे भाई, ठीक है भाई। तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जो है वो जवाब मिल गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है शुभम शर्मा जी का, ये पूछ रहे हैं Realme 2 Pro में अपडेट आया था, मैंने कर लिया, अच्छी बात है भाई, एंड इस फ़ोन में ऐसा फीचर्स बताइए जो शायद दूसरे में ना हो। तो भाई ऑलरेडी मैं जो है बता चुका हूँ ऐसा फीचर, स्कैन नेम कार्ड का शुरुआत में वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि वो मुझे जो फीचर है वो अच्छा लगा भाई। उसके बाद आदित्य शर्मा जी आ गए हैं, आदित्य शर्मा जी कैसे हैं भाई, ये पूछ रहे हैं बैटरी बैकअप कैसा है फ़ोन का। भाई बैटरी बैकअप अभी तक तो मुझे अच्छा लगा, बाकी जो है फुल रिव्यू मैं आपको बता दूंगा, साथ ही साथ इसका जो है बैटरी का एक टेस्ट जिसका वीडियो जो है कल मिल जाएगा भाई आपको। अगला जो क्वेश्चन है वो है नब किशोर बोद्रा का, वो पूछ रहे हैं हैवी यूजेज इट्स बैटरी हाउ लॉन्ग इट्स सर्वाइव, तो भाई अगर आप हैवी यूजेज करते हो तो आपको बता दूँ कि 6 से 8 घंटे जो है आपका ये फ़ोन चलेगा, अगर आप बहुत ही ज़्यादा हैवी यूजेज इस पर करते हो 6 से 8 घंटे ये फ़ोन आपका चलेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है रुखसाना असलम का, वो पूछ रहे हैं कि अपडेट आया है Realme 2 Pro में, आफ्टर अपडेट कैमरा कैसा है बताना आप सर। तो अपडेट तो मैंने कर लिया है, कैमरा जो है हल्का सा मुझे इम्प्रूव्ड लगा इसमें, जैसे कि मैंने आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाई दी, कुछ फ़ोटो मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, तो आपको बता दूँ कि कैमरा के कुछ इफ़ेक्ट्स हैं वो ऑप्टिमाइज़ हुए हैं इस अपडेट में, और स्टिकर्स का जो रेजोल्यूशन रेशो है वो हल्का सा ऑप्टिमाइज़ किया है इन्होंने इस अपडेट में, कुछ फ़ोटोज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाई हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपके लिए मैं जो है कैमरा का फुल रिव्यू बड़ी जल्द जो है लेके आ रहा हूँ इस चैनल पे, आप जो है बने रहिएगा इस चैनल के साथ। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लीजिए दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना सारी नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों। तो अब आ रहा है दोस्तों इस वीडियो का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, तो ये है मिस्टर योगेंद्र सिंह जो कि हमारे एक एक्टिव सब्सक्राइबर हैं एक और, तो ये पूछ रहे हैं बैटरी बैकअप कैसा है ब्रो इसका। भाई अभी तक तो बैटरी बैकअप अच्छा मिला है मुझे, कल वीडियो आप देख लेना, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इस क्वेश्चन का काफ़ी बार जो है जवाब दे दिया है, तो बैटरी बैकअप अच्छा है।
ऑल ओवर जो मेरा फुल रिव्यू आएगा उसमें मैं आपको जल्दी से जल्दी ये बता दूंगा कि बैटरी बैकअप कैसा मिलता है भाई। तो अभी जो आज क्वेश्चन आए थे मैंने जो है कोशिश करी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के जवाब देने की, लगता है थोड़ा सा वीडियो जो है वह लेंथी भी हो गया होगा, बट मेरा जो मकसद था आपके सारे क्वेश्चन लेके आना। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर आपका क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ किसी का, तो मैं जो है कम्युनिटी पोस्ट में आपको जो है रिप्लाई कर दूंगा। साथ ही साथ आप दोबारा से जो है नीचे जो है कमेंट करके मेरे से कोई क्वेश्चन अगर आपका हो रियलमी 2 प्रो को लेके या फिर किसी और फ़ोन को लेके, आप जो है पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके मेरे से। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं तो आप जो है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना, तभी आपको मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।